I think there are many ways to answer this question. Let me go like this. If a man of God doesn't have a deep relationship with the Lord, तो बाकी सारी चीजें डिस्टर्ब हो जाएंगी. जो डीप रिलेशनशिप में नहीं है वो डीप लव में नहीं है, जो डीप लव में नहीं है वो डीप वर्शिप में नहीं है. दे वर्क टुगेदर. सो इसलिए जिसकी लाइफ में खुदा को सीख करना नहीं, उसने क्या खिदमत करनी है. सो ये डू इम्पॉर्टेंट है. उसकी प्रेयर लाइफ कैसी है, उसकी वर्ल्ड लाइफ कैसी है, उसकी लाइफ में 12 डिसिप्लिन कैसे हैं. ये 12 डिसिप्लिन फिर सही किसी टाइम में टाइम और लंबा हो जाएगा. सो 12 डिसिप्लिन एक लीडर ने फॉलो करने हैं. वो कैसे आप करते हैं, डू यू हैव दैट. गॉड के बारे में याद रहे, सिन इज योर नंबर वन एनिमी, सैटन इज योर एनिमी एंड दैट्स ऑल, गुरबत इज योर एनिमी, फाइट विद इट. सो इसको फाइट कीजिए. देयर इज नो स्पेस फॉर सिन एट ऑल इन द हार्ट ऑफ गॉड. खुदा के दिल में कोई स्पेस नहीं है गुनाह की. हम इसको जैसे मर्जी जस्टिफाई करें, जैसे मर्जी जस्टिफाई ना करें, बहाने बना लें, ये हो गया वो हो गया, आपके कोई भी बहाना है. जब जिसको बाइबल गुनाह कहती है वो गुनाह है. होमोसेक्सुअलिटी इज अ सिन, इज अ सिन. सेकंड मैरिज इज अ सिन, इज अ सिन. सो इसलिए आपने इसको प्लीज डूज एंड डोंट्स का ख्याल रखना है. सो आई एम सॉरी ड्यू टू द टाइम आई एम फिनिशिंग सो दैट वी कैन फिनिश इट 10:10 नाउ. सो आई एम रियली रशिंग. सो आपने एक इंपॉर्टेंट बात जो काम कर देना है कि आपने अपने लीडर्स की क्यों इज्जत करनी है. इसमें एक नुक्ता जो बहुत जरूरी है वो ये है, क्योंकि वो आपके लिए जागते रहते हैं. फिर नंबर टू, वो आपके लिए बड़ी मेहनत करते हैं. गोया इसका मतलब ये है, जो खाली मेहनत नहीं करता वो इज्जत नहीं पाएगा. सो आपने बड़ी मोहब्बत के साथ कलाम में लिखा बड़ी इज्जत करनी है उनकी. सो इसलिए खिदमत में आई रिक्वेस्ट यू, please respect everyone, respect your mom and dad, respect your church, respect your leaders, and respect every human being, and above all never miss to respect the man of God. Jaise bhi aap kar sakte hain. Ek aaj mera idhar ko pad raha tha, wo kehte hain aap apne leader ki kaise respect kar sakte hain. Number one, pray for him. Number two, encourage him. Number two, uska saath dijiye. Ek उनका बहुत मशहूर फिक्रा है रेनहार्ड बोंके का, माइटी मैन डाई विदाउट हेल्पिंग हैंड्स. अगर आप अपने लीडर को सपोर्ट नहीं करेंगे, उसका साथ नहीं देंगे, हो सकता है वो बहुत कुछ जो खुदा के लिए वो कर सकता था वो ना कर पाए. सो प्लीज डू मे डीप रिलेशनशिप विद गॉड, डोंट मे डू नॉट कमिट एनी सिन, बी होली, क्योंकि तेरा बुलाने वाला पाक है. पाक खादिम जिंदगी में और जिसका रिलेशनशिप खुदा के साथ गहरा है वो कभी नाकाम नहीं होगा. खुदा उसकी इज्जत करता है, और इंसानों में दुख तो वो सहेगा इंजील की खातर, उसने सहने हैं, लेकिन बहुतेरे आपकी खूब इज्जत भी करेंगे. गॉड ब्लेस यू. थैंक यू वेरी मच सर. नाउ इट इज टाइम टू क्लोज, बट बिफोर वी क्लोज मैं चाहूंगा आप दोनों से के कुछ बातें तो जो मेरे सवालों में आपने कवर की, कुछ ऐसी बातें भी होंगी जो आपको लगता है कि अभी शायद रह गई हैं, वो आप एड्रेस भी कर सकते हैं, उनको शेयर भी कर सकते हैं, और एज अ होल आज के सेशन को कंक्लूड भी कीजिएगा. मैं रिक्वेस्ट करूंगा सर नईम से पहले वो कंक्लूजन देंगे, और फिर सर जावेद आप कंक्लूजन देकर क्लोजिंग प्रेयर कीजिएगा. चले ठीक है. दिस इज माई हम्बल सजेशन और रिक्वेस्ट, रादर कमांड इन क्राइस्ट बिकॉज इट्स अ कमांड. मेरे लिए खुदा के खादिम की इज्जत करना आप पे फर्ज है. देर इज नो चॉइस इन इट. जो खुदा के खादिम की इज्जत करता है, खुदा उसकी इज्जत करता है. रिमेंबर, जब आप खुदा के खादिम की इज्जत करते हैं आप खुदा की इज्जत करते हैं, और जब आप खुदा के खादिम की इज्जत कर रहे हैं यू आर ऑनरेबल इन द साइट ऑफ गॉड. और मैं आपको गारंटी देता हूं, मुबारक है वो जिसकी खुदा इज्जत करता है. जिसकी खुदा इज्जत करता है जमाने उसके सामने झुक जाते हैं. वो शेरों की मांद में जाए, शेरों के मुंह बंद हो जाते हैं. जब वो खुदा की इज्जत करेगा तो वो आग की जलती भट्टी में डाले जाए, जलाने वाले जल जाएंगे, लेकिन वो तीनों जिंदा वापस आएंगे, क्योंकि चौथे की सूरत इलाहाज़ादा की सी है. रिस्पेक्ट द ट्रू मैन ऑफ गॉड,
God will respect you. तेरी जो भट्टी है उसकी आग तुझे नहीं जलाएगी, तेरे शेरों के मुंह जो तेरे खिलाफ खुले हुए हैं तेरा खुदा बंद कर देगा। मत डर, खुदा के खादिम की इज्जत कर, उसमें नक्स और कीड़े ना निकाल। There is somebody who is listening to me, I am prophesying, who does not respect his leader. तो अपने लीडर में कीड़े निकालता है, नक्स निकालता है, ऐब जो निकालता है, खुदा कह रहा है तौबा कर। बागी कभी काम नहीं कामयाब नहीं होते, बागी की कब्र बनती है, बागी को कोड होता है, लेकिन जो सबमिशन में चला जाता है वो कामयाब खादिम बनता है। खादिमों की इज्जत कीजिए। God bless you. Thank you, sir. थैंक यू सर। नहीं, आपके कंक्लूजन के साथ मैं एक प्रेयर रिक्वेस्ट हमें मिली थी वो भी आपको बता देता हूँ। किसी भाई ने हमें प्रेयर रिक्वेस्ट दी है, भाई अशफाक है और उनकी पूरी फैमिली क्वारंटीन में है। ऑलरेडी वो हॉस्पिटल में क्वारंटीन कर चुके हैं, अभी घर में भी वो 14 दिन के लिए क्वारंटीन में, तो उन्होंने दरख्वास्त की है। वो आपने पहले भी सारे पेशेंट्स के लिए दुआ की थी, लेकिन ये उसके बाद रिक्वेस्ट है, इसलिए जब आप दुआ करें तो इनके लिए भी कीजिएगा। इससे पहले आज के सेशन का कंक्लूजन, एंड एनीथिंग दैट यू सी दैट यू थिंक इज a key that is left for today's session, you can share. Thank you very much. सबसे पहले मैं नाज़रीन को इनकरेज करूंगा कि ये जो मिसाया गॉस्पल टीवी है, आप इसका जो यूट्यूब चैनल है उसे आप ज़रूर सब्सक्राइब करें, और आप वहाँ पे जो डिफरेंट अपलोड्स होते हैं, तालीमी जो प्रोग्राम है, आप देखते रहें, ताकि उसके वसीला से आप बरकत पाते रहें। सो एक मे बी एक आखिरी पॉइंट जो हम डिस्कस करेंगे कि हमें जो जूनियर लीडरशिप है किन बातों को मिनिस्ट्री में अवॉइड करने की ज़रूरत है। और अभी जैसे जुवेद भाई ने बड़ी खूबसूरत बातें एंड में कही हैं कि इट्स मस्ट फॉर अस टू सबमिट एंड टू ऑनर आवर लीडरशिप एंड आवर सीनियर लीडरशिप। सो चंद एक बातें जो बड़ी अहम हैं, मैं चाहता हूँ आज वो मिस ना हो और खुदा के लोग जो हैं वो बरकत पाएँ। सबसे पहले आप अपनी मर्जी से अपनी मिनिस्ट्री नहीं बना सकते हैं, और ये नहीं कि आज आप एक चर्च में हैं और फिर आपने कोई बाइबल कोर्स कर लिया तो कल आपने एक मिनिस्ट्री शुरू कर ली। तो आप मिनिस्ट्री तो बना लेंगे लेकिन आप बहुत दूर तक नहीं जाएंगे, अनलेस खुदा ने आपको मिनिस्ट्री के लिए बुलाया है, कॉलिंग है, रोया है, और उसके अलावा एक अलग मिनिस्ट्री शुरू करने के लिए कहा है तो आप फिर करें, वरना आप एक बड़े डेंजरस जोन में हैं। और मैं मिनिस्ट्री को इस तरह से देखता हूं कि मिनिस्ट्री में कोई भी नाकाम नहीं होता, लेकिन मिनिस्ट्री में कोई कोई कामयाब होता है। थोड़ी दौड़ सारी दौड़ लेते हैं, कोई भी चर्च बना लेगा, इवन वो बुलाया हुआ नहीं भी है तो 50-60-100 लोग आ ही जाएंगे। तो मिनिस्ट्री में कोई भी नाकाम नहीं होता है, लेकिन मिनिस्ट्री में कम लोग हैं जो कामयाब होते हैं, जो दूर तक जाएंगे और जिनका कोई इम्पैक्ट जो है या असर जो है वो होगा। सो जो एक बड़ी इम्पॉर्टेंट बात है कि अपनी मर्जी से ना मिनिस्ट्री बनाएं ना काम शुरू करें, और अगर खुदा ने आपको बुलाया है, वेट फॉर योर टाइम। एक बात जो याद रखनी है मिनिस्ट्री में, खुदा कभी सीनियर लीडरशिप को बाईपास करके जूनियर लीडरशिप से मिनिस्ट्री के ताल्लुक से कलाम नहीं करता कि इस खिदमत में ऐसे होना चाहिए, इस खिदमत में ये होना चाहिए, फलान चीज शुरू कर दो। गॉड विल नेवर बाईपास सीनियर लीडरशिप टू टॉक अबाउट मिनिस्ट्री मैटर्स, और एरियाज में वो आपसे बात कर सकता है, टू टॉक अबाउट मिनिस्ट्री मैटर्स विद जूनियर लीडरशिप। सो जूनियर लीडरशिप को ओवर स्मार्ट बनने की जरूरत नहीं है। अगर खुदा आप एक मिनिस्ट्री के अंदर हैं और खुदा उसमें कुछ और भी करना चाह रहा है तो वो आपको नहीं बताएगा, आप सीनियर को बताएगा। अगर सीनियर सुनने में देर कर रहा है तो खुदा वेट करे। और सेकेंडली, अगर आपको खुदा ने मिनिस्ट्री में बुलाया है कि आप अपनी कोई अलग से मिनिस्ट्री शुरू करें, बिफोर यू नो इट गॉड विल टॉक विद योर सीनियर। आमीन। इस बंदे को रिलीज कर दे, इसको इस खिदमत के लिए, फलां जगह पे जाने के लिए, फलां काम के लिए रिलीज कर दे। सो इफ यू हैव नॉट बीन रिलीज्ड बाय योर सीनियर्स और आपने मिनिस्ट्री शुरू की है तो आप बड़ी दूर तक नहीं जाएंगे। जितने मर्जी पैसे आ जाएं, जितने मर्जी गोरे आ जाएं, जितने मर्जी डॉलर आ जाएं, आप वो रूटीन का
काम करते रहेंगे, कोई इम्पैक्टिंग काम नहीं होगा और आप एक ही छोटी सी जो चर्च है या मिनिस्ट्री है उसके गिर्द आप घूमते रहेंगे एंड यू विल रीच नोवेयर। ये एक ऐसी मिस्टेक है जो हमारे मुल्क में या हमारे कॉन्टेक्स्ट में कल्चर में बहुत ज्यादा रिपीट की जा रही है। फॉर एग्जाम्पल आज आप मिनिस्ट्री में आप किस चर्च से आए, जाहिर है पहले आप किसी चर्च में थे, क्या आपके पास्टर ने आपको अलाउ किया कि आप मिनिस्ट्री शुरू करें, क्या उसने आपको परमिशन दी है, क्या खुदा ने उसकी रहनुमाई की है। सो वी नीड टू बिकम गॉड सेंट लीडर, नॉट अ सेल्फ मेड लीडर। और इसीलिए बहुत से चर्चेज मिनिस्ट्रीज फलां चीजें होने के बावजूद भी जो गॉस्पल का इम्पैक्ट है जिंदगियों पे, लोगों पे, माशरे पे, वो बहुत कम है। बिकॉज दे आर फ्यू गॉड सेंट लीडर्स एंड दे आर मोर मैन सेंट लीडर्स। और जैसे मैंने पहले कहा, खुदा सीनियर लीडरशिप को जूनियर लीडरशिप के थ्रू चेक नहीं करता, गॉड हैज हिज ओन प्रोटोकॉल्स। सो अगर आपने अपनी मर्जी से खिदमत शुरू की है और बुजुर्गों ने आप पे हाथ नहीं रखे, आपको परमिशन नहीं दी, आपको अलाउ नहीं किया, तो यू आर डेस्टिन्ड टू बी अ फेलियर। फिर आप एक ही वक्त में दो तीन मिनिस्ट्रीज का हिस्सा ना बने, आप इस चर्च में भी काम कर रहे हैं, फलां चर्च में भी काम कर रहे हैं, आप एक किसी और मसीह ग्रुप में भी काम कर रहे हैं। सो बी अ पार्ट एंड अ फैमिली ऑफ वन चर्च, वन मिनिस्ट्री, किसी एक के अंडर हो, किसी एक के साथ चले। मिनिस्ट्री खिदमत जो है इसका एक ब्लूप्रिंट है, ये एक नक्शा है, ये एक इमारत है, इसका एक स्ट्रक्चर है, इसका एक ब्लूप्रिंट है, इसका एक डिजाइन है। और आप अपनी मर्जी से इधर इसके साथ चले गए, उधर फलां मिनिस्ट्री के साथ चले गए, किसी के साथ कंपेन में चले गए, किसी के साथ प्रेयर मिनिस्ट्री में चले गए, आप अपने आप को बर्बाद कर। मे बी, देखें याद रखें, मैं 40 साल के तजर्बे से ये बता रहा हूं, मे बी आप पे इतने प्रेशर्स या वॉरफेयर या स्ट्रगल्स नहीं आएंगे और आ भी सकती हैं, लेकिन ये ऐन मुमकिन है कि आपके बच्चे सफर करेंगे। When you are doing ministry without following the rules and the regulations, जब आप एक proper covering के नीचे नहीं हैं, your family will struggle, औलाद ना होने की problems हो सकती हैं, sickness की problems हो सकती हैं, financial problems हो सकती हैं, आप अपनी situation में stuck हो सकते हैं। I know today बहुत से खादम इसलिए बीमार हैं कि वो अपने सीनियर्स को चेक करते हैं, दे आर रूड विद देयर सीनियर्स, दे हैव डायबिटीज, दे हैव अदर थिंग्स, दे हैव अदर प्रॉब्लम्स इन यंगर एज। यंगर एज से मेरा मतलब है अबव 50 हैं, अभी 50 से छोटे हैं, बिलो हैं, दे गेट इनटू सीरियस काइंड ऑफ सिकनेसेस। उसका एक रीजन, आप अपनी हदूद को क्रॉस कर रहे हैं, आप अपनी लिमिट्स को क्रॉस कर रहे हैं, आप उस एरिया में जा रहे हैं जिसके लिए आप अलाउड नहीं थे। और अगर आप मिनिस्ट्री के अंदर भी हैं, जो भी आपने कहीं जाना है, कोई मीटिंग है, कोई अदर थिंग्स है, चर्च काउंसिल की परमिशन से जाए, जब परमिशन होगी तो उनकी ब्लेसिंग आपके साथ। सो ये जो आज अफरा तफरी है चर्च में और नौजवान खादमों में, कभी वो आपको एक सूबे में नजर आएंगे, आज वो क्वेटा पहुंच गए हैं, कल उन्हें पेशावर में मुनादी करनी है, फिर वो कराची निकल गए एवेंजेलिज्म, यू कैन नॉट डू सच थिंग्स। आप, ये कोई मिनिस्ट्री नहीं है, उसका कोई इंपैक्ट नहीं है, आप एक लाहासल काम कर रहे हैं, यू आर वेस्टिंग योर टाइम। सो बड़े समझने की, जानने की, सोचने की, लीडरशिप डायनेमिक्स को अंडरस्टैंड करने की जरूरत है। सो कंक्लूजन ये है, अगर आप कुछ करना चाहते हैं, कहीं जाना चाहते हैं, आस्क परमिशन फ्रॉम योर सीनियर्स। और अगर आप अपनी खिदमत भी शुरू करना चाहते हैं, आप उनसे कहें, खुदा उनसे रहनुमाई ले, आप खुद भी रहनुमाई लें। विदाउट गॉड्स परमिशन आप जो काम भी करेंगे, अल्टीमेटली इट विल एंड इन टू रूइंस, फेलियर। और जैसे मैंने पहले कहा कि आज जो लोगों का एक सोच है मिनिस्ट्री की, चार छह डोनर्स में
कोई मिनिस्ट्री का नाम रख लिया, फाउंडर चेयरमैन बन गए और खिदमत शुरू कर ली और आप समझ रहे हैं बहुत सक्सेसफुल हो गए हैं, यू आर गेटिंग मनी, यू आर गेटिंग डॉलर्स एंड अदर थिंग्स, बहुत कुछ हो गया है, बट इन रियलिटी आप सैंड पे खड़े हैं, यू आर नॉट बिल्डिंग एनीथिंग और कोई डेप्थ जो है आप उसकी तरफ नहीं जा रहे हैं और इम्पार्ट नहीं कर रहे हैं और आप अपने पीछे को लेगेसी छोड़ के नहीं जाएंगे। सो वी नीड टू बी अंडरस्टैंडिंग, वी नीड टू बी केयरफुल। खादमों से मेरा ये सवाल है, ये आखिरी बात है, मेरा ये सवाल है खादमों से, आप जो कुछ कर रहे हैं क्यों कर रहे हैं? अगर खुदा ने नहीं कहा आपको वो करने के लिए इन अ वेरी क्लियर वे और वो कंफर्म नहीं हुआ कि तूने ये करना है, अगर वो आप कर रहे हैं और खुदा ने आपको नहीं कहा करने के लिए तो आप क्यों कर रहे हैं? खुदा आपसे वो डिमांड ही नहीं कर रहा। जब मैं अर्ली 80s में खिदमत में आया तो बड़ी क्लियरली खुदा ने मुझसे कहा, आई हैव गिवन यू द गिफ्ट ऑफ वॉइस, यू विल प्रीच and you will teach and through your voice I will bless the nations, I will bless the people and I will bless the leaders. So I know my gift. इसलिए मैं लिखने की तरफ नहीं जाता, हमारा कोई शौक नहीं हम टेलीविजन चैनल बनाए जब तक खुदा नहीं कहता, हमें कोई किताबें लिखने का शौक नहीं है। खुदा ने चर्च के बारे में कहा, बाइबल कॉलेज में के बारे में कहा, 40 years हम वहीं स्टैंड कर। Unless God tells us something new to do or something else to do, why we should do? So हर खादम को ये अपने आप से सवाल करने की जरूरत है, मैं जो कर रहा हूं क्यों कर रहा हूं? इवन आपने चर्च आप पास्टर भी हैं, क्यों पास्टर है? क्या खुदा ने आपसे कहा? क्या किसी ने कंफर्म किया है? क्या खुदा आपको बैकअप कर रहे हैं? वो तो जो भी इंजील को सुनाएगा कोई ना कोई रूप बच जाएगी, कोई मीटिंग शुरू करेगा 10-15 लोग आ जाएंगे। This doesn't mean you have a ministry. This doesn't means कि आप एक बड़े कामयाब खादम हैं, या इवन खादम भी हैं। सो हमें इन बातों को बड़े सीरियसली इनको लेना है और हमने इस बात पे गौर करना है, क्योंकि इन 40 years मैंने बहुत से खादमों का जवाल देखा है, बहुत से खादमों को चढ़ते और गुरूप होते देखा, और इवन जब मैं बड़ा यंग था इन माई 20s तो मेरे साथ एक बड़ा ग्रुप था, साथी थे, दोस्त थे, उन्होंने बहुत कुछ पढ़ा भी, थियोलॉजी, ग्रीक, हिब्रू, अदर अदर थिंग्स, और वो पूरा ग्रुप जो था, टुडे दे कैन नॉट बी सीन एनीवेयर, गर्चे मेरी ख्वाहिश है कि वो खिदमत में नजर आते, बट दे आर नोवेयर। देर आर स्टेप्स फॉर लीडरशिप, देर आर रूल्स टू सर्विंग द लॉर्ड, और जैसे मैंने कहा देर इज अ ब्लू प्रिंट, देर इज अ डिजाइन, देर इज अ प्लान, अ होल प्लान फॉर लीडरशिप। जब तक हम उसको फॉलो नहीं करेंगे, हम सिर्फ पैसे से या कोई मिनिस्ट्री बनाने से हम खादम नहीं बन जाएंगे। सो वी कैन नॉट इंपैक्ट एंड चेंज द लाइव्स इफ वी आर नॉट मूविंग ऑन द पैटर्न ऑफ गॉड। थैंक यू वेरी मच, खुदा आप सबको बरकत दे। जी दुआ करें। सर थैंक यू वेरी मच। मैं तो ये सोच रहा हूँ कि ये एक ऐसा सेशन होना चाहिए था कि इसमें सब यंग लीडर्स जो हैं, यंग इवेंजलिस्ट पास्टर्स, आजकल वो पंजाबी में कहते हैं इट पुट्टो तो निकल आंदा, उन सबको सामने बिठा कर ये सेशन होना चाहिए था कि ये हम सब के लिए, आई एम इंक्लूडिंग माई सेल्फ विद देम, ये हम सब के लिए बहुत ज़रूरी है कि हम पहले सेल्फ असेसमेंट कर लें, हम खुदा से पूछें कि हमें वो कॉलिंग है कि नहीं जो हम काम कर रहे हैं। आप सबका, आप दोनों का खासतौर से बहुत शुक्रिया, सब व्यूअर्स, सब खादिम जिन्होंने हमें ज्वाइन किया उन सबका भी शुक्रिया। सर नहीं प्लीज दुआ के साथ हम क्लोज करेंगे। हम दुआ करें। खुदावंद आसमानी बाप, हम उस भाई को और पूरी फैमिली को तेरे हुजूर में याद करते हैं जिन्होंने प्रेयर रिक्वेस्ट भेजी है। खुदावंद वो क्वारंटाइन में हैं, एंड वी बसीच होली फादर, लेट द फायर of the Holy Spirit, and we cover them under the blood of Lord Jesus Christ, that you completely heal them. और हर तरह की बीमारी और उसकी अलामतें हमेशा के लिए जाती रहें, और उनकी बॉडीज वो एंटीबॉडीज प्रोड्यूस करें कि वो इस वायरस को कम्प्लीटली ओवरकम करें और हमेशा तंदुरुस्त और सेहतमंद रहें। खुदावंद आसमानी बाप, हम सब तेरे आगे झुकते हैं इस आज के सेशन के लिए, लीडरशिप के ताल्लुक से जो बातें हमने सीखी हैं, बयान की हैं,
खुदावंद खुदा गर्चे ये सब कुछ इनकम्प्लीट है, एक पूरा कॉम्प्रिहेंसिव स्टडी नहीं है बिकॉज ऑफ द लैक ऑफ टाइम, लेकिन जो बातें बयान की गई हैं खुदावंद खुदा वो बड़े पॉजिटिवली ली जाएं, सुनने वालों पर तेरी बरकत ठहरे और जो जूनियर लीडरशिप है वो और ज़्यादा खुदावंद तेरी कुर्बत में और तेरे मस्सा में, तेरी आग में, तेरे जलाल में वो आगे बढ़े और तेरी सलामती और तेरी रहमत आए खुदावंद खुदा तमाम सुनने वालों को हो, जो बाद में भी हमें ज्वाइन करेंगे और सुनेंगे, हम उनके लिए भी खुदावंद तेरी बरकत चाहते हैं। फादर लेट द एरोज ऑफ योर वर्ड टच देयर हार्ट्स फादर गॉड, ओ खुदावंद तेरे कलाम के तीर उनके दिलों को छूए हैं खुदावंद खुदा और वो ईमानदार और खादम मजबूत हो जाएं और अपनी जगह को पहचाने, अपने बुलाए जाने को पहचाने, तेरी तरतीब को समझ सकें और खुदावंद खुदा एक बड़े निज़ाम के साथ ऑर्डरली वे में और खुदावंद ऑर्गेनाइज्ड वे में खुदावंद तेरा काम कर सकें और जहाँ कहीं खुदावंद हम में कोई गलतियाँ खताएँ कमजोरियाँ हैं तो बख्श दे और फर्दर भी फेवर ग्रांट करना कि हम लीडरशिप के ताल्लुक से और एक जूनियर लीडरशिप और वर्शिप के ताल्लुक से भी हम कोई ऐसा तालीमी सेशन कर सकें ताकि वो लोगों के लिए बाइस बरकत हो और सुनने वाले बरकत पाएं और खुदावंद खुदा गॉस्पल मिसाया गॉस्पल जो मिनिस्ट्रीज हैं और टीवी हैं हम उसके लिए बरकत चाहते हैं, तेरी वसत मांगते हैं, तेरी भलाई और बेहतरी उनके लिए चाहते हैं और वो अपने बुजुर्गों के ताबे रहें और तेरे प्लान्स और पर्पसेस और डेस्टिनीज में मूव करते रहें। तूने हम सब के लिए डेस्टिनीज मुकरर की हैं, बख्श दे कि हम अपनी मंजिल को जाने और अपनी मंजिल को पहचाने और खुदावंद हम उस डायरेक्शन में मूव करें जो तूने हमारे लिए मुकरर की है। तेरा कादर और सलामती वाला हाथ हम सबों के साथ रहे और दोबारा मिलना तेरे ठहराए गए वक्त पर हो। खुदावंद यीशु मसीह नासरी के नाम में सब कुछ मांग लेते हैं, आमीन। आमीन आमीन। थैंक यू सर नईम, थैंक यू सर जावेद, बहुत शुक्रिया आप दोनों के ज्वाइन करने का, टाइम निकालने का। वी थॉट इट वुड टेक अराउंड 40 टू 50 मिनट्स बट इट इज ऑलमोस्ट 80 मिनट्स नाउ। सब देखने वालों का बहुत बहुत शुक्रिया, खुदावंद आप सबको बहुत ज़्यादा बरकत दे और आपको अपनी हिफाजत में रखे। नेक्स्ट फ्राइडे हम फिर 8 बजे एक और सब्जेक्ट के साथ, दूसरे खादमों के साथ आपकी खिदमत में हाजिर होंगे। तब तक के लिए खुदावंद आप सबको अपनी हिफाजत में रखे और हम सबको भी अपनी दुआ में याद रखिएगा। जिन लोगों ने प्रेयर रिक्वेस्ट दी थी अगर मिस हुई है तो हम जरूर आपके कमेंट्स के बाद देखने के बाद आपके लिए दुआ करते रहेंगे। गॉड ब्लेस यू ऑल।